नवोदय 24x7 में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में रेवेन्यू अकाउंटेंट RA, क्लर्क CLA, नॉन टेक्निकल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लाइनमैन ALM और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट ASSA टेक्निकल के पदों पर नियुक्तियां होनी है। इन नियुक्तियों के लिए जो टाइम शेड्यूल बना रखा है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन ने, वो इस प्रकार से हैं, आप नोट कर लें। स्टार्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस 31 मई 2021, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जून 2021, क्लोजर डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस 2 जुलाई 2021। 31 मई 2021 से पोर्टल खुलेगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जून 2021 तक आप कर सकते हैं। ये देखिए रेवेन्यू अकाउंटेंट और क्लरिकल की, रेवेन्यू अकाउंटेंट में 18 पोस्ट्स टोटल है, 6 विमेन के लिए, 549 क्लरिक के टोटल है और 186 विमेन के लिए है। टेक्निकल पोस्ट्स में जे इलेक्ट्रिकल, ALM और ASSA, ये हैं 75 पद इसके जे इलेक्ट्रिकल के और 1700, ALM के 290, ASSA के। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लें। नॉन टेक्निकल RA और क्लर्क के लिए रेवेन्यू अकाउंटेंट RA नाम की ये पोस्ट है, 18 पोस्ट है ये। बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फुल टाइम रेगुलर BCom विद मिनिमम 60% मार्क्स और फुल टाइम रेगुलर MCom विद मिनिमम 50% मार्क्स और CA इंटर और ICWA इंटर। और क्लर्क की ये 549 पोस्ट्स है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड पोजेसिस एटलीस्ट 120 आवर्स कोर्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए या फिर पोजेसिस ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स इक्वलेंट टू ओ लेवल ऑफ DOEC, तो DOEC का ओ लेवल के इक्वलेंट आपके पास कोर्स होना चाहिए, या जिनके पास इस फील्ड में डिग्री है उन्हें इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। पंजाबी पास आपको मेट्रिक लेवल पे होना है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पास इंग्लिश एंड पंजाबी टाइपिंग टेस्ट एज पर PSPCL रिक्वायरमेंट विद इन प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन के दौरान ही आपको पंजाबी इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट भी पास करना है। टेक्निकल पोस्ट्स में जे इलेक्ट्रिकल और ALM और ASSA, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड ये 21 है और नंबर ऑफ पोस्ट 75। इसमें आपको फुल टाइम रेगुलर 3-4 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स, ये आपको होना है। या आपके पास यदि ये नहीं है तो आप BE BTech BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स हो सकते हैं, या फिर AMIE इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता, ये आपके पास है तो भी आप एलिजिबल है। असिस्टेंट लाइनमैन 1700 पोस्ट्स है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एंड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC इन लाइनमैन ट्रेड, ये आपको जरूरी होना है। कैंडिडेट हु पजेसिस हायर एजुकेशन दैट इज डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ दे हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड। तो ये आपको लाइनमैन ट्रेड का जो NAC सर्टिफिकेट है वो चाहिए। असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन ITI इलेक्ट्रिकल वायरमैन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर अप्रेंटिस एक्सपीरियंस इन PSEB नाउ PSCL, और फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स और फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स और फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल विद 60% मार्क्स, ये आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। और जो पे स्केल है वो आपको पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का जो पे स्केल है वो दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ पंजाबी, जैसा मैंने बताया ये एसेंशियल है आपको, और मैट्रिक लेवल पर आपने पंजाबी पढ़ी हो। एज आपकी 18 से 37 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, और जो रिजर्वेशन है कैटेगरीज के लिए उनको ये
छूट भी इसमें एज में मिलेगी। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनको एज में छूट दी जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी एज में छूट है। और इसका जो रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए टेस्ट है, डिग्री लेवल फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। उसके बाद साइकिल के लिए भी सिमिलर टेस्ट है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश 100 क्वेश्चंस। और टेक्निकल में JEE इलेक्ट्रिकल, ALM एंड ASSA के लिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंसर्न डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, ये 100 क्वेश्चंस। तो ये आपका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया दी गई है, सिंगल फेज में होगा। देयर विल ओनली बी वन एग्जाम फॉर द पोस्ट। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड JEE इलेक्ट्रिकल विल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस एज मेंशन्ड बिलो। फेज वन में प्रिलिमिनरी होगा और मेन उसके बाद और होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45%, जनरल कैटेगरी रिजर्व के लिए 35%। एप्लीकेशन फीस जान लें, ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट SC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी 800 फीस, 144 टैक्स, रुपीज़ 944, और बैंक चार्जेज यदि है तो वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। SC कैटेगरीज के लिए 500 फीस, 90 उसमें GST और 590 के साथ बैंक चार्जेज यदि कोई हो। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 500 फीस, 90 चार्जेज GST और 590 के साथ यदि बैंक चार्जेस लगते हैं ट्रांजैक्शन में तो वो आपको फीस देनी पड़ेगी इसके लिए। अब आपको क्या करना है कि इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी और क्वायरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अगेंस्ट CRA, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल, ये ईमेल आईडी दिया गया है और टोल फ्री नंबर ये दिया गया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात रही कि आप ये कहाँ करें अप्लाई, तो इसके लिए आप ये वेबसाइट नोट करें, www.pspcl.in, ये नोट करें www.pspcl.in, ये पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे ही मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाला है और उसमें आपको इस डॉक्यूमेंट में पूरी जानकारी मिलेगी, क्या आपको करना है, क्या एलिजिबिलिटी है और एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, ऑनलाइन फीस कैसे भरें, ये सब जानकारी इस 25 पेज के डॉक्यूमेंट है में है। आप इसका अवलोकन करें, इसको पढ़ें और इसके अनुसार ही करें। अदरवाइज यदि आपको फिर भी कोई क्वायरी आपकी है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा ये बताया जा रहा है, pspclhelpdesk2021@gmail.com, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप ये टोल फ्री नंबर है 02268202727, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ वेबसाइट पर जाइए www.pspcl.in और वहाँ से ये रिक्रूटमेंट के लिए जो ये नोटिस निकला है, ये पूरी एडवर्टाइजमेंट निकालें, पढ़ें, जानकारी को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।